तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आ चुका हूँ सोजत के किले में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको भी दिखाते हैं सोजत का किला कैसा दिखाई देता है, कैसा है अंदर से। तो किले के शुरुआत में गजानन जी की मूर्ति है, जैसा कि सभी किलों में होता है। शुरुआत गणेश जी से ही होती है। और सामने है किले का मेन गेट, देख सकते हैं आप कितना बड़ा मेन गेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किले का मेन गेट, और मेन गेट पे काफ़ी सारे किले लगी हुई हैं और मेन गेट काफ़ी मजबूत भी है। तो जैसे ही हम किले के अंदर एंटर करेंगे, वैसे वैसे मैं किले का इतिहास भी आपको बताता जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सोजत का इतिहास बताऊँगा कि सोजत की स्थापना किस तरह से हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं पहले, फिर बात करते हैं। तो गेट पर बहुत ही मजबूत कीले लगी हुई हैं जो आज भी बहुत नुकीले हैं। और ये गेट की सुरक्षा के लिए लगाई जाती थी ताकि कोई भी इस गेट को तोड़ ना पाए, उसको छू ना पाए। और आज भी ये गेट काफ़ी मजबूत है। और जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। तो सबसे पहले माँ चामुंडा का मंदिर आता है, तो आपको दिखाते हैं माँ चामुंडा का मंदिर। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है किला, मतलब अब इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन किला आज भी उतना ही मजबूत है, उतना ही शानदार है। शुरुआत करते हैं माँ चामुंडा के दर्शन करके, फिर किले का और चीज़ों को देखेंगे, और उसके बाद मैं आपको कहीं आराम से बैठ करके मैं इस किले का आपको इतिहास समझाता हूँ और फिर किले को और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। माता के दर्शन करने के बाद मैं किले के परिसर को देख रहा था, तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और किले का जो परिसर है वो काफ़ी बहुत बड़ा है, लेकिन पूरा किला खाली है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो हम बात करते हैं सोजत के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम किले का इतिहास जानने से पहले सोजत का इतिहास जान लेते हैं। तो सोजत नगर सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सोजत का वैदिक काल में नाम शुद्धवंती नाम था, जो बाद में ताम्रवती नगरी के नाम में परिवर्तित हो गया और बाद में फिर इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाने लगा। तो इस ताम्रवती नगरी के एक राजा थे त्रवणसेन, और उनकी पुत्री का नाम था सेजल। तो उन राजा की जो पुत्री थी, तो उसकी एक कहानी है, तो मैं वो कहानी आपको बताता हूँ कि जो राजा की जो पुत्री थी उसे ईश्वरीय वरदान प्राप्त था और वो माता चामुंडा की भाकरी पर जाकर के जोगनियों के साथ खेला करती थी। एक दिन राजा को शक हुआ कि राजकुमारी कहाँ जाती है, तो उन्होंने अपने एक सेनापति बांदुरहुल को उनकी जासूसी करने के लिए पीछे भेजा। तो एक रात जब सेजल माँ चामुंडा की भाकरी पर गई, तो वहाँ पर जोगनियों ने कहा कि तुम अकेली नहीं आई हो, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। तो सेजल ने नीचे जाकर देखा, तो वहाँ पर उसने सेनापति बांदुरहुल को पाया। तो उसको देखकर सेजल बहुत क्रोधित हुई और उनको श्राप देना चाहा, लेकिन बांदुरहुल राजा की आज्ञा में बंधा हुआ था, इसलिए उसने सेजल के पैरों में पड़कर माफ़ी मांग ली। तब सेजल बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा कि राजा है उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, और आज से तुम इस राज्य को संभालोगे, और तुम मेरे नाम से इस नगर का नाम सोजत रखना। और इस तरह से सोजत नाम पड़ा, और इसी के साथ सेजल जोगनियों के साथ अंतर्ध्यान हो गई। और ये जो घटना है वो आशो सुधी नवमी विक्रम संवत 1111 की बात है। तो इस तरह से सोजत की स्थापना हुई थी। और अभी मैं आ चुका हूँ किले की दीवार पर। इसकी जो बाउंड्री है, यानी कि जो प्राचीर है, वो बहुत ही मजबूत है। इसकी सोजत शहर का नज़ारा देख सकते हैं, और जो सामने आपको तालाब दिख रहा है वो रामेलाव तालाब है। और सोजत का जो इतिहास है वो मैं आपको अब बताता हूँ। और इस तरफ बहुत सारे झरोके बने हुए हैं, और मैं आप जो छोटे छोटे से छेद देख रहे हैं
ये छेद सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो एक टाइप से है और इसके अंदर बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है, अंदर चमगादड़ बैठते हैं शायद। और दोस्तों जो पीछे मेरे ये एक जगह देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पताका लगाने के लिए जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छेद भी है। तो इस छेद के माध्यम से इस टाका है उसको लगाया जाता था। मेरे पीछे ये जो छेद देख रहे हो यही वो जगह है जहाँ से जो सैनिक है वो दुश्मनों पर निशाना साधते थे और यहाँ से वो दुश्मन को देख लेते थे लेकिन दुश्मन हमें नहीं देख पाता था, इससे सेना यहाँ से हमला करती थी। तो भाई लोगों बात कुछ ऐसी है कि कालांतर में 1512 ईस्वी में राव जोधा ने इसे मेवाड़ से अपने अधिकार में ले लिया था और इसे अपने बेटे राव निम्बा को सौंप दिया था। और राव निम्बा ने नाना शिरडी डूंगरी पर, ये जो पहाड़ी है जो नाना शिरडी डूंगरी बोली जाती है, इस पहाड़ी पर 1517 विक्रम संवत के अंदर सोजत के किले का निर्माण करवाया था। और राव निम्बा के बाद में ये जागीरी वीरमदेव को दे दी गई थी। बाद में जोधपुर के महाराजा गंगा सिंह ने सोजत पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। गंगा सिंह के बाद में जोधपुर की गद्दी पर मालदेव का अभिषेक हुआ था। और अब किले के रख रखाव के लिए यहाँ पर टंकी बना रखी है। और मेरे पीछे एक जगह देख रहे हैं तो किले का कुछ कुछ भाग जो है डैमेज हो गया है, खंडर हो गया है। हाँ तो भाई लोगों, मैं आपको इतिहास बता रहा था, मैं खो गया था। एक बहुत ही प्यारा सनसेट व्यू आ रहा है तो उसमें मैं खो गया था। तो आगे सुनिए, जब राव मालदेव को अभिषेक हुआ तो उसने इस किले के चारों तरफ परकोटा बनवाया, बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई जो आज भी मौजूद हैं और आज भी उतनी ही मजबूत हैं। शायद उस टाइम की जो इंजीनियरिंग थी वो आज पॉसिबल नहीं है। इतनी मोटी दीवारें बिना सीमेंट के कैसे बनाई होगी, कैसे जोड़ी होगी। और जो राजस्थान में जो किले बनते हैं उसमें पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो भाई साहब पत्थर को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है बिना सीमेंट के। और ये बिना सीमेंट के बने हुए परकोटे हैं जो इतने मजबूत हैं कि अभी भी इन्हें कोई हिला नहीं सकता। सन 1621 के अंदर मुग़ल शासकों ने सोजत पर अधिकार कर लिया था और कालांतर में यहाँ पर जहांगीर और औरंगजेब ने भी अधिकार किया था। और औरंगजेब ने जब सोजत पर अधिकार किया था, जब वो यहाँ से निकला था तो उसने चामुंडा माता भाकरी को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहा। तो यही कुछ जो इतिहास मुझे पता था वो मैंने आप तक पहुँचाया है। अगर आपको इसके अलावा कोई इतिहास पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और आप ये भी बताना कि आपको ये किला कैसा लगा। आप संसद देखिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि
जो ये सोजत का किला है वो मेहरानगढ़ और आमेर के किले से भी ज़्यादा पुराना है, पर इसके इतिहास को धीमेल कर दिया गया है और यही इतिहास मैं आप लोगों तक और सोजत वासियों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सामने जो आप देख रहे हैं वो नरसिंह जी की भाकरी है जिस पर औरंगजेब ने हमला किया था और उसे तोड़ दिया था। कभी चलेंगे वहां पर भी। जो मेरे पीछे आप एक रहे बावड़ी जैसा देख रहे हैं, ये किले के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए बनाई गई थी। बरसात का पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो किले के अंदर जो पानी की सारी व्यवस्था है किले के अंदर से ही की है ताकि किले से बाहर नहीं जाना पड़े। और ये है किले का सेकंड गेट। किले के अंदर प्रवेश करने के केवल दो ही रास्ते हैं, जिसमें से पहला गेट जिससे मैं आया था और ये दूसरा गेट जहां से हम जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो इस किले के अंदर केवल दो ही गेट बनाए गए हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं एक बिल्डिंग जो किले के अंदर ही है और इसके अंदर छात्रावास बना दिया गया है जिसमें बच्चे रहते हैं। और आते हैं किले के पुरातत्व विभाग से जो केयरटेकर हैं जो किले की देखरेख करते हैं। शाम हो चुकी है और मैंने सारा किला घूम लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाते जाते माता के एक बार फिर से दर्शन कर लूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि इस माता के दर्शन करते करते मुझे यहाँ के पुजारी जी मिल गए हैं जो वर्षों से इस किले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी निःशुल्क दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे से किले की साफ़ सफाई आप जैसे देख रहे हैं ये सारी साफ़ सफाई यही करते हैं और माता के जो पूजन है वो सारा यही करते हैं। तो एक बार इनसे इनकी जुबानी माता के बारे में सुनते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए और माता के बारे में बताइए। जय माता दी। वहाँ से करीबन 28-29 साल पहले जब हम छोटे थे तो साल में एक बार आते थे किले में। तो वो कभी भी माता जी का एक नाम मात्र त्रिशूल निमित एक सिंदूर का इसी आड़े में था और कच्चा आला था और एक पट्टियाँ थी इसके ऊपर, बाकी पूरा खंडर ध्वस्त हो रखा था। तो जब माता जी को रिक्वेस्ट की कि भाई अगर ये किला खुले तो आपको विधि विधान से विराजमान करें, नहीं तो एक दिन पूजा करने से कोई इतना है नहीं। तो माता जी की कृपा हुई तो ये अपने वायरलेस से सेट लग गया 14। तो उसके बाद में इस तरह को गेट खुल गए। फिर बाद में पंडित जी को बुला के उनके हाथ से मतलब प्राण प्रतिष्ठा करवा के माता जी को विराजमान किया विधि विधान से दोबारा। तो उसी समय से धीरे 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 और जब माता जी को विराजमान किया तो ये खंडर की तरह मतलब कोई सीढ़ियाँ वीढ़िया नहीं, खाली एक पट्टियाँ थी और बिल्कुल 2 फीट की गहरे पे माता जी को पूजा करते थे। तो धूप बत्ती रखने की भी जगह नहीं थी, ये स्थिति थी माता जी की। ओनली एक छोटा धुपेड़ा मिला मुझे और हल्का सा सिंदूर का वो निशान मिला कि भाई हाँ ये मंदिर है माता जी का पहले किसी जमाने का। उस बाद में माता जी की कृपा हुई खुद की करने वाली भगवती अपन तो एक निमित्त है माता जी की कृपा से और आप लोग आते हो तो अच्छा भी लगता है कि भाई। तो आने वाले सभी भक्तों को हम यही माता जी से रिक्वेस्ट है कि सबको फलीफूत करे, सबको सच सद्बुद्धि दे और सबको उनको प्रोग्रेस दे।